लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हिमाचल कांग्रेस, लोकसभा चुनाव प्रभारी रोहित ठाकुर ने की बैठक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल शुरू, कांग्रेस महासचिव सुरेश कार्दो ने की दावेदारी, कहा संगठन के व्यक्ति की दी जाए टिकट। शिमला में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय अवस्थी, राजीव भवन पहुंचकर किया पदभार ग्रहण, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया संजय अवस्थी का स्वागत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सीबीएस मामले पर हुई सुनवाई, 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई, संतोषजनक फैसला आने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा करवट, आगामी 6 दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल, ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन क्षेत्र के विधायक और पूर्व विधायकों के साथ में बैठक की और चुनाव में जीत दिलवाने को लेकर मंथन भी किया। इस दौरान रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के 15 महीने के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और प्रदेश की चारों सीट पर जीत दर्ज करेगी। इसके साथ ही रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद का पिछले 5 सालों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है, क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य को सांसद नहीं करवा पाए, जबकि प्रदेश सरकार ने 1.5 साल के कार्यकाल में ही कई विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया है। आप जानते हैं कि हिमाचल के जो चुनाव है वो लास्ट फेज में है और 2 महीने काफी लंबा समय होता है और मात्र मैं समझता हूँ हफ्ते के अंदर ही हमारी प्रत्याशी से संबंधित चयन का जो प्रोसेस होगा वो घोषित हो जाएगा। और जहां तक मुद्दों से संबंधित आपने बातें कही है, प्रथम मुद्दा रहेगा एक वर्ष में जो हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो कार्य हुए हम जनता के समक्ष ले जाएंगे, चाहे वो कर्मचारी वर्ग से संबंधित हो। ओपीएस का निर्णय लागू करना हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा निर्णय था, जहां बहुत मैं समझता हूं सरकारों ने अपने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन हिमाचल का एक उदाहरण है जो हमने वचनबद्धता, जो हमने घोषणा चुनाव के दौरान 2022 के दौरान की थी उसको अमली जामा पहनाया गया। और विशेषकर उस पृष्ठभूमि में जब आपकी वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की खराब थी, आप जानते ही है कि विरासत में भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंत में जो हमें विरासत में लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण मिला, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की हमारी जो डीए एरियस की आपके हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स को हमारे कर्मचारियों को अदायगी लंबित पड़ी थी। और इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के दौरान जिस तरह से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में मैं समझता अभूतपूर्व कार्य किया, अपने आप में हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के इतिहास की रिलीफ पैकेज लगभग कोई 4,500 करोड़ का हमारे आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए, हमारे आपदा प्रभावित लोगों के लिए मैं समझता हमारी सरकार ने लाया है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस से निलंबित विधायक रवि ठाकुर को बीजेपी की तरफ से यहां के अपना उम्मीदवार घोषित किया गया, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से रवि ठाकुर के खिलाफ प्रचार को लेकर फिर रणनीति तैयार की जा रही है। और ऐसे में जिला लाहौल स्पीति कांग्रेस के महासचिव सुरेश कार्दो ने भी विधानसभा उपचुनाव लड़ने की दावेदारी जताई और इस बारे में भी कांग्रेस कमेटी को भी सूचित किया गया है। वहीं महासचिव सुरेश कार्दो ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा को चुनाव में उतारने का विचार करती है तो ये विचार काफी गलत होगा। दूसरी पार्टी से जो नेता इम्पोर्ट हो रहे हैं उनको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मारकंडे जी को हम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो साथ में पीसीसी और डीसीसी अध्यक्षों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप कार्यकारिणी में और भी जितने हमारे लाहौल स्पीति के जो इंटरेस्टेड जो लोग हैं उनको जोड़ें, ताकि हम बड़ी मजबूती के साथ रवि ठाकुर के खिलाफ आवाज उठा सके, उनका उनके जो बुराइयां हैं उसका प्रचार कर सके। हम तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर जिताएंगे। जो आदमी अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दे रहा है,
हिमाचल प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकार में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर को हिमाचल कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय अवस्थी ने राजीव भवन पहुंचकर हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पदभार ग्रहण कर लिया है। और आपको बताते चले कि इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनका स्वागत किया और हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि वे पूर्ण निष्ठा के साथ में जिम्मेदारी को निभाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मुझ पर इतना विश्वास जताकर आज मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर और सामूहिक प्रयास द्वारा जो ये लोकसभा के आगामी चुनाव हैं और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 6 विधानसभा क्षेत्रों में, इन उपचुनाव में और लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल करवाना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और क्योंकि मैं सरकार में भी हूँ तो सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय बने और आपसी तालमेल बेहतर तरीके से बने और कार्यकर्ताओं के जो कार्य हैं वो लंबित ना हो और उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहने का मेरा प्रयास रहेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर सुनवाई हो गई है और वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद में मामले की सुनवाई आगामी 22 अप्रैल को रखी गई है। बताया यह भी जा रहा कि न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश वीसी नेगी की बेंच में मामले की सुनवाई की गई और वहीं वकील संजय कुमार ने बताया कि मामला एक साल से चल रहा है जिस पर कोर्ट गंभीरता से सुनवाई कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही अब 3 बार लगातार मामले पर बहस होगी। उम्मीद यह भी है कि जल्द फैसला आएगा और जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। मेरी यह पिटीशन यानी कि PIL सबसे पहले हिमाचल हाईकोर्ट में इन द अप्रैल यानी कि 12 अप्रैल 2023 को लगी थी। उसके बाद अन्य पिटीशंस भी आई थी तो मैं उन पे तो नहीं बात करना चाहूंगा, मैं अपनी पिटीशन की बात करना चाहता हूं। हमने इसका आधार सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स ऐसी हैं जैसे स्टेट ऑफ आसाम के वी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम और एक सुकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर 2022 की एक स्टेटमेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कहा गया हुआ है कि कोई भी अधिकार सीपीएस बनाने का किसी भी स्टेट को नहीं है क्योंकि जो स्टेट्स ये सहारा लेती हैं हमने स्पेशल लेजिस्लेशन यानी कि कोई एक्ट बनाया हुआ है उन एक्ट को ऐसी कोई पावर नहीं है उन जजमेंट्स ने उनको दरकिनार किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग आए हैं और हमने भी जो ये नोटिफिकेशन आई है और जो ये एक्ट है इनको चैलेंज किया हुआ है अपनी PIL माध्यम से और आपने जो कहा इसको मोर देन 1 ईयर जो है इस कोर्ट में हो चुका है और हमें उम्मीद है कि अब इसका निर्णय जो जल्दी से जल्दी आएगा। शिमला में पानी, कूड़ा और प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में हुई वृद्धि के खिलाफ शिमला नागरिक सभा ने हल्ला बोल दिया है और स्मार्ट मीटर लगाने का भी विरोध किया है। नागरिक सभा उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर नगर निगम, SJPNL प्रबंधन और साथ ही विद्युत नियामक आयोग और प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर पानी, बिजली, कूड़ा और प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी की गई तो नागरिक सभा इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। वहीं शिमला नागरिक सभा के संयोजक संजय चौहान ने कहा कि निजीकरण और व्यापारीकरण की नीतियों के कारण जनता की बुनियादी सुविधाओं पर हमला हो रहा है और उसके साथ ही शिमला शहरी विधायक हरीश जनरथा ने भी कूड़े पानी की दरों में वृद्धि को गलत करार दिया है। दूसरी तरफ नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री का भी कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स और कूड़े के बिल में अलग से कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज देखिए आप शिमला नागरिक सभा के द्वारा, आप सबको मालूम है ये जो शिमला के शहरी हैं उनका ये जो संगठन है उसके द्वारा आज यहाँ पर शिमला के जो उपायुक्त कार्यालय उसके बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में जो मुख्य मांगे हैं या आपने देखा है पिछले लंबे समय से शहरवासियों के ऊपर जो है पानी, बिजली, कूड़ा उठाने की फीस पे निरंतर वृद्धि जो है की जा रही है और इस वर्ष भी आपने देखा कि 1 अप्रैल ये एक बहुत गलत एक एग्रीमेंट साइन हुआ है।
ये एक वर्ल्ड बैंक के साथ प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम का ये चल रहा था पानी को उठाने का और प्रीवियस गवर्नमेंट में ये फाइनलाइज हुई थी क्योंकि प्रयास तो बहुत पहले से चल रहा था शिमला में पानी लाने का, राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम से चल रहा था ये प्रयास। तो जब ये पिछली गवर्नमेंट में फाइनलाइज हुई है तो उन्होंने जो एग्रीमेंट्स बनाए हैं वो वर्ल्ड बैंक की शर्तों पे उन्होंने ये एग्रीमेंट्स बनाए जहां कि उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। अब उसमें इस बार के बजट में हालांकि अलग से कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है चाहे वो गार्बेज का है, पर क्योंकि ये पिछले 3-4 वर्षों से पहले ही हाउस ने पास किया है कि गार्बेज के जो बिल्स है उनमें 10% की बढ़ोतरी हर साल होगी क्योंकि प्रोपोर्शनेटली उतनी ही बढ़ोतरी जो हमारे सैप में काम करते हैं उनके सैलरी में रहती है 10% हर साल। तो ये एक रूटीन का प्रोसेस था जिसमें 10% जो गार्बेज कलेक्शन के बिल है वो बढ़ के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी 118 रुपये अगर पर हाउस होल्ड आ रहा है तो उसमें 11 रुपये के आसपास की वृद्धि। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले 6 दिनों के भीतर प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक सक्रिय होंगे और इसके चलते प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मध्य और निचले इलाकों में बारिश के साथ में ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र में संदीप शर्मा ने बताया कि 2 अप्रैल के बाद में प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और तेज बारिश की संभावना है, साथ ही प्रदेश के निचले इलाकों मध्यवर्ती इलाकों में भी इस दौरान बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। आगामी 5-6 दिनों की बात करें तो आज 1 तारीख को जो प्रदेश के क्षेत्र हैं लाहौल स्पीति किन्नौर वहां पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि जो निचले क्षेत्र है हमारे शिमला सोलन है बिलासपुर हमीरपुर वहां पे जरूर क्लाउडिंग है परंतु वहां बारिश की अभी संभावना नहीं है। फिर देखिए 2 तारीख की लेट नाइट से और 5 तारीख से प्रदेश में WDF इफेक्ट करेंगे बैक टू बैक 2 और इसके चलते देखिए जो एक्टिविटी है, देखिए कल 2 तारीख को जो हमारे ऊपरी क्षेत्र हैं चंबा कुल्लू लाहौल स्पीति किन्नौर यहां पे बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है हल्की। फिर देखिए 3 तारीख से जो हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र हैं उनमें भी बारिश जारी होने की संभावना रहेगी और इसके चलते देखिए जो 2 बैक टू बैक WD है इसके चलते 3, 4, 5 और 6 तारीख को प्रदेश के जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ बारिश के साथ साथ जो हाई रीजेस में हल्की बर्फबारी हो सकती है, साथ में जो मध्यवर्ती क्षेत्र है हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मंडी कुल्लू शिमला सिरमौर सोलन है यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है और लाइट टू मॉडरेट बारिश भी रहने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।